इतना बड़ा नेशन स्टेट का हमने सिर्फ किसी को धमकी देने के लिए बनाया था या ये बताने के लिए कि हम एक राजा बनाएंगे, वो राजा राष्ट्रों की तरह घूमता फिरेगा और वो किसी की नहीं सुनेगा। मुसलमान के साथ हिंसा की जाती है तो उसे दिखाया जाता है वो छूट ना जाए, वो दब ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पब्लिक की नजर से छूट जाए, उसको दिखाना जरूरी है। इससे दिखाना जरूरी है, मुसलमान वर्सेस करना है। मोदी जी आम कैसे खाते हैं मुझे पता है, मोदी जी मुसलमान आम काट के खाते हैं और हिंदू आम चूस के खाते हैं। हिंदू आम को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि तुम्हारी चुसाई हो रही है, तुम्हारा रस छीन लिया गया है, तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ छिलका बचा है। आपने कौन सवाल पूछा मंदिर बन रहा है, आपने कौन सवाल पूछा मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। ये जो फर्क किया गया है हिंसा का, जो फर्क किया गया है, अब सभी हिंसा बराबर की हिंसा नहीं है, मुसलमान के साथ होने वाली हिंसा को वैदिक हिंसा बना दिया गया है कि ये तो होना है, हम यही करने आए हैं। मोदी जी को अब इस देश में भाजपा की भी जरूरत नहीं है, भाजपा कार्यकर्ता की भी जरूरत नहीं है, अकेले मीडिया काफी है उनके जय जयकारा करवाते रहने के लिए। हमारा भारत जो है, जो नेशन स्टेट है, तो उस भारत ने, उस इंडिया ने वो वादा तोड़ दिया है हमसे, जो पंक्ति के आखिरी शख्स के साथ जो वादा किया था वो टूट चुका है। अब इसमें कोई मुगलता नहीं है, इंडिया इज अ ब्रोकन प्रॉमिस, और इसको आप जिस भी नजर से देखिए, हर वो इंसान, हर वो पहचान जो कमजोर है, जो हाशियाग्रस्त है, जो एक खास कैटेगरी से नहीं आती है, उसके साथ जो वादा है वो टूट चुका है। हम इतने बड़े हाहाभूति विशाल राष्ट्र राज्य को चला रहे हैं, एक एक विभाग के ऊपर जो करोड़ों खर्च हो रहा है, एक एक मंत्रालय में जो करोड़ों खर्च हो रहा है, एक एक संस्था में जो करोड़ों खर्च हो रहा है, उसमें फिर पुलिस और आर्मी और ये सब कुछ को शामिल कीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे पैसे से चल रहा है, हमारे टैक्स पेयर के। वो जो इंसान जो सबसे कम दिहाड़ी की मजदूरी करता है वो जो टैक्स दे रहा है उससे वो सब कुछ चल रहा है। और बदले में हमें क्या चाहिए था, बदले में हमें सिर्फ ये चाहिए था कि हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत हो जाए, और ऊपर वाले ने हमें जिस तरह की भी सलाहियत के साथ पैदा किया है उस सलाहियत को निखारने के लिए हमें शिक्षा मिल जाए, हमें स्किल मिल जाए, जिससे हम अपने लिए कुछ कर सकें, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। इससे ज्यादा हम में से कोई क्या चाहता है, हम में से कोई भी विश्व का पहले नंबर का दूसरे नंबर का बिलियनियर नहीं बनना चाहता है। हम वो लोग हैं जो चाहते हैं हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाए, बाकी का तो हम अपनी मेहनत से देख लेंगे। हमें क्या चाहिए था इस नेशन स्टेट से, इस राष्ट्र राज्य से, इतना बड़ा नेशन स्टेट का हमने सिर्फ किसी को धमकी देने के लिए बनाया था या ये बताने के लिए कि हम एक राजा बनाएंगे, वो राजा राष्ट्रों की तरह घूमता फिरेगा और वो किसी की नहीं सुनेगा। हमने वो नेशन स्टेट इसलिए नहीं बनाया था, हमने इसलिए बनाया था कि जिस हाल में हमारे कॉलोनाइजर्स हमें छोड़ करके जा रहे हैं हम उससे बाहर आए। आज क्या हो गया है, आज हमसे हमारे संघर्ष देखिए, आज 2013-14 से पहले भी कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं थी और सरकार का विरोध हम लोग तब भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है तब हम सरकार की गलतियां कर रहे थे, तब भी हमारा विरोध इतना ही मुखर था। आज जो फर्क आया है वो ये फर्क आया है कि जो अत्याचार का में फर्क आ गया है। आप ये समझिए, जब मुसलमान के साथ हिंसा की जाती है तो उसे दिखाया जाता है वो छूट ना जाए, वो दब ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पब्लिक की नजर से छूट जाए, उसको दिखाना जरूरी है। इससे दिखाना जरूरी है, मुसलमान वर्सेस करना है, लेकिन बाकी लोगों के साथ जो हिंसा होती है उसको मकारीपूर्ण तरीकों से छुपा दिया जाता है या उस पर चुप्पी साध ली जाती है। उनका मीडिया, उनके नेता, उनके कोई भी उनकी तरफ से जो भी खड़ा है वो उस बात को करना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ कि आप याद होगा कि कुछ दिन पहले ये बड़ा मसला उठा था, एक चुटकुला बन गया कि मोदी जी आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। मैंने वीडियो बनाया था कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं मुझे पता है, मोदी जी मुसलमान आम काट के खाते हैं और हिंदू आम चूस के खाते हैं। हिंदू आम को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि तुम्हारी चुसाई हो रही है, तुम्हारा रस छीन लिया गया है, तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ छिलका बचा है। लेकिन उनको दिखाया जाता है कि देखो मुसलमान आम काट के खाया जा रहा है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी बल्ले बल्ले है। ये जो फर्क है, आप ये बताइए, जो हम बट गए, हम मुसलमान
राष्ट्र राज्य में उन परिणामों को सामने लाकर के कभी बात नहीं की जाती कि किसान के साथ क्या हो रहा है। आपने कौन सवाल पूछा मंदिर बन रहा है, आपने कौन सवाल पूछा मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही। ये जो फर्क किया गया है हिंसा का, जो फर्क किया गया है, अब सभी हिंसा बराबर की हिंसा नहीं है। मुसलमान के साथ होने वाली हिंसा को वैदिक हिंसा बना दिया गया है कि ये तो होना है, हम यही करने आए हैं। आप ये बताइए हमसे जो जो भाषा दी जा रही है हम लोगों को दिव्यांग से शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ देवताओं की तरफ से कुछ स्वर्ग से नीचे उतर रहा है भारत की जनता के लिए। अभी महिला आरक्षण बिल आया, उसका नाम क्या रखा, महिला बंधन। आपको जब जब सैनिकों को नौजवानों को धोखा देना हुआ तो नाम क्या रखा, अग्निवीर। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए इस धुरंधर अंधकार में दौर का नाम क्या रखा, अमृतकाल। हमारे राजा जब बोलते हैं ना टीवी पर, मैं कभी उन्हें सुनती हूँ तो पीछे से अपने आप मंदिर के घंटे बजते हैं, ऐसे ऐसे होता है। ऐसी भाषा में आपका शोषण हो रहा है, आपसे भाषा का मायने छीन लिया गया है, वो जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। और ये क्यों हो पा रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है कि एक मीडिया है जो इस पर बात नहीं करती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मोदी जी को अब इस देश में भाजपा की भी जरूरत नहीं है, भाजपा कार्यकर्ता की भी जरूरत नहीं है, अकेले मीडिया काफी है उनके जय जयकारा करवाते रहने के लिए। और हमारे देश के नौजवानों को इतना लो एम्बिशन दे दिया गया है कि 5 किलो अनाज लो, उबालो, उसको पी लो, हमारी रैली के लिए हाजिर रहो, हमारी गुंडागर्दी जहाँ हम चाहें करवाएं उसके लिए हाजिर रहो, तुम्हारे अपने सपने नहीं होने चाहिए। वो साफ कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, 1000 लीटर का पेट्रोल, 500 का सिलेंडर कोई बात नहीं, लेकिन हमें देश में मोदी जी चाहिए। मोदी जी उनको क्यों चाहिए, उनका अपना सपना कहाँ चला गया। इस देश के नौजवानों को अब कुछ नहीं बनना है, अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन साथी, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ उनको अपने राजा को मेंटेन करना है कि उसके यश में, उसकी शान शौकत में, उसके वैभव में कमी ना आ जाए। ये तो ये कहां से आया, मीडिया ने दिया है हमारे नौजवानों को, हमारी महिलाओं को। अब उनके लिए अच्छी गृहिणी, अच्छी बहू बनने के कॉलेज खुलने लगे। 70 साल के संविधान ने हमें जो कुछ भी दिया था, जो कुछ भी देश दुनिया में प्रगति हुई थी, हम आज वहां पहुंच गए। अगर आपको मिसाल दूं, एक पुरुष धावक जो रेस लगाता है 100 मीटर की, और एक स्त्री जो लगाती है, सदियों से जिसको दौड़ने नहीं दिया गया था उसने सारी दूरी खत्म करके कुछ सेकंड्स का फासला बचा है महिला और पुरुष में। इसरो से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के, कहां नहीं, श्रमिक तो हम हमेशा से थे, कहां नहीं थी, कहां नहीं हमारी महिला। तो वो जो 70 सालों में मिला है वो वापस कैसे लिया जाए। तो दुर्गा वाहिनी तो उनके लिए अच्छी बहू बनने के, और बाबा साहब कहते हैं हिंदू महिलाएं 8 बच्चे पैदा करें, एक साधु समाज को दें, एक सेना को दें, एक RSS को दें, एक BJP को दें, एक उनकी पूरी लिस्ट है, एक अपने लिए रखें। लेकिन इस 7-8 बच्चे पैदा जो होंगे ये सिर्फ पुरुष होना चाहिए, महिलाएं अगर पैदा हो गई, बेटियां पैदा हो गई, उनका क्या करना उनको नहीं पता। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जितनी हाशियाग्रस्त समाज की महिलाएं हैं, जो लव जिहाद के कानून है उसमें उन्होंने ये तय किया कि अगर कोई वाल्मीकि सरनेम की महिला है, बहन है, तो वो कहीं गलती से किसी तरह से मिसेस खान न बन जाए। इसके लिए उन्होंने तय किया कि ऐसा कानून लाना है कि आप जहां हैं वहीं बनी रहिए, औकात भी बदल सकते आप अपनी। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि जो हमारे सामने ये RSS द्वारा संचालित राष्ट्र राज्य है, जो हिंदू कॉरपोरेट राष्ट्र राज्य है, इसके फासिज्म पर सवाल करने के लिए हमें RSS से ये सवाल करना चाहिए, ठीक है मुसलमानों को मार दो, ठीक है बाकी अकलियतों को मार दो, लेकिन हिंदू राष्ट्र राज्य उसका आपका आदर्श क्या है, वो कैसा होगा, उसमें क्या कोई भी ऐसे संस्थान नहीं बचेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, इलेक्शन कमीशन से लेकर के, आपके वुमेन कमीशन, आपके ह्यूमन राइट कमीशन, आपके विजिलेंस कमीशन, आपका इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कुछ भी। एक लोकतंत्र होता क्या है, अगर लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, अगर लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो वो लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो उस लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब को अपने गला घोट के, अपने चार
आज गुंडे इंस्टीट्यूशंस बनाए या जिस या जो पहले से थे उन्हीं को आपने अपने अनुसार ढाला, अपने लोग बिठाए, उनको किसी तरह से आप सेवानिवृत्त नहीं होने दे रहे, रिटायरमेंट खत्म होता है, आप अध्यादेश लाते हैं, आप क्या क्या करके बनाए रखते हैं अपने गुंडों को, और ईडी और सीबीआई और आईटी और इन्हीं सबसे आपको चलाना है। तो ये जो सवाल है आरएसएस से करना चाहिए कि आपकी 100 साल की मेहनत थी, 100 साल की मेहनत में आपको मिल गया इतना हवा होती, इतना प्रचंड बहुमत, आप जो चाहे करें, मोदी जी चाहते इतना अच्छा बहुमत मिला था कि वो देश के लिए इतना अच्छा काम करते, आम जनता के लिए इतना अच्छा काम करते कि उन्हें किसी पूंजीपति से अपने चुनाव को प्रायोजित कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता ही उनको चुनती, जनता कहती है हमें ऐसा राजा मिला है, हमने उसको टेस्ट कर लिया, अब जब हमने उसको टेस्ट कर लिया है तो हम उसको जाने नहीं देंगे। जनता के वोट से तो आप सारी उम्र बने रह सकते थे, आपको माननीय गांधी के वोट से सारी उम्र बने रहने का ख्वाब नहीं पालना था, उनसे ब्लैकमेल नहीं होना था, उनके हेलीकॉप्टर और उनके संसाधन आपको, उनका मीडिया आपको नहीं चाहिए था, आप चाह रहे थे, आप राजा बन रहे, आप अगले 50 साल तक बने रहिए, आप जनता के राजा बन जाइए ना, जनता के लिए काम करिए, जनता ने आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया है, आपको किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, जनता ने कहा हम है ना, आप ना से सोचिए कि अंबानी आपको लोन देगा या नहीं देगा, अंबानी आपके मीडिया को विज्ञापन देगा या नहीं देगा, लेकिन आपने नहीं किया, आप किसके आदमी है बॉस बताइए, क्या है आपकी पॉलिटिक्स। तो ये जो सवाल है कि कौन सी चीज थी जो अच्छे काम, जो कल्याणकारी काम, जो परोपकारी काम, जो वेलफेयर स्टेट बनाने से भारत को इस दौर में रोक रही थी, कोई तो है जो कहीं और से चाबी थी चला रहा है, जिसके हाथ में इस देश की चाबी है, ये सब उसके मैनेजर्स लगते हैं, क्यों उनको इस देश के बहुमत का सम्मान नहीं था, क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि हमारी जनता ने जो हमें बहुमत दिया है ये तो काफी है, जब हम 370 खत्म कर सकते हैं, 3 तलाक कर सकते हैं, मंदिर बना सकते थे, जनता